हमारे स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर अपना लैंडफॉर्म्स माउंटेन्स अदर लैंड फीचर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लैंडफॉर्म्स मतलब कि ज़मीन के जो फॉर्म्स हैं किस तरह से, जैसे लाइक माउंटेन्स, प्लेचूज, प्लेन, जिन सबके बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन्स और इसके साथ ज़मीन के दूसरे जो फीचर्स हैं उन सबके बारे में पढ़ेंगे। और इसके आउटलाइंस हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं उसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है, वो है लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म्स, किस तरह से माउंटेन्स फॉर्म करते हैं, बनते हैं, हिल्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लेचूज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है लैंडफॉर्म्स के। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? लैंडफॉर्म्स नेचुरल शेप्स और फीचर्स ऑफ लैंड क्रिएटेड बाय एरोजन, यानी कि किसी एरोजन किसी जैसे वोल्केनिक एरोजन के, तो वोल्केनो आतिश्मा के फटने से बनते हैं, एंड प्लेट मूवमेंट्स और प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से बनते हैं। तो ये ज़मीन के ऐसे शेप्स, ऐसे फीचर्स होते हैं जो किसी खास एरोजन धमाके या फिर प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से बनते हैं। और ये जो हैं वो डिफरेंट लैंड फॉर्म, जैसे वोल्केनोस किस तरह से बनते हैं, हिल्स, वादियाँ किस तरह से बनती हैं, आइलैंड, जज़ीरे और ओशंस हैं, रिवर्स, वाटरफॉल्स, प्लेन्स, जंगल्स, डेजर्ट्स, के डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं कि वो किस तरह से बनते हैं, इन सब के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स लॉफ्टीएस्ट अर्थ लैंड फॉर्मिंग के, सबसे जो लॉफ्टीएस्ट है, ऊंचाई वाला जो है वो, और हार्डेस्ट है, सबसे हार्ड होता है ये, वो लैंड फॉर्म है ज़मीन का। और ये हाइट इज़ अबाउट 300 मीटर, और माउंटेन्स की जो हाइट है वो अबाउट 300 मीटर्स, 300 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और इसमें भी टू टाइप्स ऑफ माउंटेन होते हैं, दो तरह के माउंटेन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ माउंटेन रेंजेस, मतलब के रेंजेस बहुत सारे, जब ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, जब बहुत सारे जो माउंटेन्स या पहाड़ वो एक ही जगह पे होंगे ग्रुप के फॉर्म में, तो उसे हम बोलेंगे कि ये माउंटेन रेंजेस है। एंड सेकंड टाइप ऑफ इज़ स्टैंड अलोन माउंटेन, मतलब कि जो अकेला पहाड़ होगा, सिंगल पहाड़ होगा, तो उसे हम बोलेंगे कि ये जो स्टैंड अलोन या फिर सिंगल माउंटेन है। नेक्स्ट है हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म, के माउंटेन्स किस तरह से बनते हैं। माउंटेन्स फॉर्म्ड इन थ्री वेज, ये तीन तरह से बनते हैं। फर्स्ट वन इज़ फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स एंड फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। फर्स्ट वन इज़ फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स कब बनते हैं कि जब ज़मीन के जो दो प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ ही मूव कर रही होती हैं, तो इससे वो ज़मीन का वो हिस्सा ऊपर की तरफ फोल्ड होके तो ऊपर की तरफ उठना शुरू करते हैं, जिससे कि पहाड़, ज़मीन का वो हिस्सा ऊँचा हो जाता है ज़मीन से, और इसे फोल्ड पहाड़ या फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स वो होते हैं जो आतिशफा के फटने से जब बनते हैं, तो जब आतिशफा फटता है लावा बाहर निकलता है, जब लावा गाढ़ा होगा तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा, वो उसी जगह पे ऊपर को उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो गाढ़ा होगा और जो ही वो उसे वो आगे को नहीं बहेगा, आगे को नहीं जाएगा, तो वो उसी जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और साथ ही इकट्ठा होने के साथ साथ वो ठंडा भी होता जाएगा, जिससे फिर पहाड़ के फॉर्म में वो आ जाएगा, तो उसे हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। नेक्स्ट है फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स, तो ऐसे फॉल्ट वो होते हैं, माउंटेन्स होते हैं जो दो ब्लॉक्स के, जब दो ब्लॉक्स आपस में वो एक वो से पड़े हो जाते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे को रिपेल करते, धकेल देते, तो फिर वो उनके दरमियान से ज़मीन का हिस्सा जो है वो ऊपर को उठना शुरू हो जाता है, जिससे एक ब्लॉक ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो माउंटेन के फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये थ्री वेज हैं जिनसे माउंटेन्स जो हैं वो बनते हैं, लाइक या तो फिर वो किस तरह से बनते हैं, वोल्केनो के फटने से, जब वो ठंडा हो जाएगा एक जगह पे, गाढ़ा होने की सूरत में, तो वो ऊपर को उठना शुरू हो जाएगा, जिससे वो एक पहाड़ की शक्ल में आ जाएगा। और नेक्स्ट है कि वो कोई ज़मीन के अगर जब कोई एक ब्लॉक ऊपर उठ जाता है तो उससे माउंटेन्स बन जाते हैं, या फिर जब दो प्लेट्स आपस में दूसरे को मूव करती हैं तो उससे क्या होता है कि ज़मीन का वो हिस्सा ऊपर को फोल्ड होना शुरू होता है, जिससे वो फिर पहाड़ की शक्ल में आ जाते हैं। नेक्स्ट हिल्स है पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ एरिया लोअर दैन 300 मीटर्स का, ऐसा एक एरिया जो 300 मीटर से कम ऊंचाई जिसकी होती है, उसे हम कहते हैं कि वो हिल्स, पहाड़ियों से हम बोलते हैं। हिल्स हैव सॉफ्टर एजेस लाइक राउंडेड, मतलब कि पहाड़ तो नुकीले भी होते हैं, फ्लैट भी होते हैं, उनकी ऊंचाई 300 मीटर तक होती है, लेकिन जो हिल्स हैं उनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती, उनकी 300 मीटर से कम ऊंचाई होती है, लेकिन उनकी जो सरफेस है वो भी राउंडेड होती है, ऊपर से गोल होती है हिल्स की। कवर्ड विद वाइल्ड फ्लावर्स, ट्रीज एंड ग्रास, जो हिल्स होती हैं वो उनके ऊपर वो जंगली जो फूल होते हैं वो होते हैं, दरख्त होते हैं और ग्रास होते हैं, मतलब कि ये पहाड़ों पे तो ना दरख्त होते हैं और ना ही
ग्रास होता है, लेकिन जो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, इन पे घास भी होता है और दरख्त भी होते हैं, और फिर कुछ किस्म के जो जंगली किस्म के फूल हैं वो भी उगे हुए होते हैं। नेक्स्ट है प्लेचूस, हाईएस्ट एरिया विद फ्लैट टॉप, कि एक ऐसा एरिया है जो ज़मीन से थोड़ा ऊंचा होता है लेकिन ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होगा, इनके ज़मीन के नस्बत बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा, ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचाई पर जाके तो आगे से बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, ज़मीन की तरह से फॉर्म कर जाएगा। प्लेचूज आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम प्लेचूज की जो क्लासीफिकेशन करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं, फर्स्ट वन इज़ देयर सराउंडिंग्स, कि उनके इर्द गिर्द का जो इलाका होगा उसकी वजह से हम इसको एक तो क्लासीफाई करते हैं, और सेकेंड हम इसको क्लासीफाई करते हैं हाउ दे आर फॉर्म्ड, कि वो किस तरह से बनते हैं, इससे भी हम उसकी क्लासीफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लेचूज हैं, कि कितनी तरह के प्लेचूज हैं, सबसे पहले इंटरमाउंटेन प्लेचूज, और इंटरमाउंटेन प्लेचूज होते हैं कि जो ऐसे प्लेचूज होते हैं जिसके दरमियान जो साइड दोनों साइड पे हो वो होगा वो माउंटेन रेंजेस होंगे, कि पहाड़ होंगे और दरमियान में प्लेचूज होंगे, ऐसे प्लेचूज को हम कहते हैं कि इंटरमाउंटेन प्लेचूज हैं, कि जिसके दोनों साइड्स पे पहाड़ होंगे और दरमियान में प्लेचूज होंगे। नेक्स्ट है पीडमोंट प्लेचूज, तो ये ऐसे प्लेचूज होते हैं जिनकी एक साइड पे माउंटेन्स होते हैं और दूसरे साइड पे समुंदर होता है, तो इनको ऐसे प्लेचूज जिनकी एक साइड पे माउंटेन्स हो, पहाड़ हो और दूसरी साइड पे समुंदर हो, तो उनके दरमियान का जो इलाका होगा उनको हम क्या कहेंगे कि ये पीडमोंट प्लेचूज हैं। अब आप इसे गैस कर सकते हैं कि उनके हम सराउंडिंग से किस क्यों उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर हम इन दोनों माउंट प्लेचूज को देखें तो इसमें से यही शो होता है कि जो माउंट ऐसे माउंटेन्स इर्द गिर्द के इलाकों को देख के, जगह को देख के फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन किया, मतलब कि एक के साइड पे माउंटेन्स हैं, एक ऐसा प्लेचू है इंटरमाउंटेन के जिसके दोनों साइड्स पे माउंटेन्स हैं, ठीक है, और सेकंड प्लेचू कैसा प्लेचू है पीडमोंट के जिसके एक साइड पे माउंटेन है दूसरे पे सी है, तो ये उसकी सराउंडिंग की निस्बत से या सराउंडिंग की बेस पे ही उसको हमने क्लासीफाई किया हुआ। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल प्लेचूज, तो ऐसे प्लेचूज होते हैं जिनके दोनों तरफ समुंदर होता है, तो समुंदर ऐसा इलाका या ऐसा प्लेचू जिनके दोनों तरफ समुंदर हो और दरमियान में खुश्की का इलाका हो तो उसे हम कहते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेचू है, इनके समुंदर से उनकी ऊंचाई पर थोड़ा सा रहता है और उसके दोनों तरफ समुंदर होते हैं, उसे हम कॉन्टिनेंटल प्लेचूज कहते हैं। नेक्स्ट है वोल्केनिक प्लेचूज, तो ऐसे प्लेचूज होते हैं जो आतिशफशां के या लावा के फटने से वजूद में आते हैं, तो इसे हम इस तरह से कर लेते हैं कि जब आतिशफशां फटता है, वोल्केनो फटता है, तो लावा अगर तो वो गाढ़ा होगा, बहुत थिक होगा, तो वो दूर तक नहीं फैलेगा, वो उसी अपनी एक ही जगह पे ऊपर को उठना शुरू हो जाएगा, जिससे उनकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी और फिर वो उसे माउंटेन्स बन जाएंगे, तो अगर वही लावा थोड़ा पतला होगा, थिन होगा, तो उसे क्या होगा कि जो लावा है वो दूर तक बैठता जाएगा, और जितनी दूर तक वो बह सकेगा और उससे जब वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तो जितनी उस ठंडा होने के लिए जितनी उसकी ऊंचाई होगी वो उसकी ऊंचाई कम होगी, ज़मीन से थोड़ी ऊपर होगी लेकिन पहाड़ से छोटी होगी, तो जिससे इन प्लेचूज बनना शुरू हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर से तो फ्लैट सरफेस बिल्कुल होती है ना राउंड ज़मीन की तरह से, लेकिन ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊँचे इलाका होता है, तो जिससे हम कहते हैं कि ये वोल्केनिक प्लेचूज हैं। नेक्स्ट है प्लेचूज बाय एरोजन ऑफ माउंटेन्स, कैसे प्लेचूज जो माउंटेन्स के एरोजन से बनते हैं, एरोजन मतलब के पहाड़ों के कटाव के वजह से बनते हैं, ऐसे जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं तो इससे क्या होगा कि पहाड़ जो हम ऊपर से टूटना शुरू हो जाएंगे, उसमें वो पहाड़ कटाव का शिकार होना शुरू हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि वो फिर उनकी ऊंचाई या बुलंदी जो है वो कम होती जाती है, और ऊपर से उसकी जो सरफेस है वो भी बिल्कुल फ्लैट होना शुरू रहती है, तो जिसकी वजह से माउंटेन के इरोजन या माउंटेन के कटाव की वजह से जो प्लेचूज बनते हैं उनको हम कहते हैं माउंटेन प्लेचूज बाय इरोजन ऑफ माउंटेन्स, के माउंटेन्स की के कटाव की वजह से जो सतूह मुर्तफा या प्लेचूज वजूद में आते हैं, लाइक अगर हम इस पिक्चर में देखें कि पहाड़ की ऊंचाई कम होते होते वो एक प्लेचू बनता जा रहा है, लेकिन ये जो प्लेचू है वो प्लेन मैदानी इलाके से ऊंचा है और पहाड़ से कम है, तो इनको हम कहते हैं कि प्लेचूज जो कि माउंटेन के इरोजन से वजूद में आते हैं। नेक्स्ट है प्लेचूज बाय विंड एरोजन, के हवा के कटाव की वजह से जो प्लेचूज बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये विंड बाय विंड एरोजन है, तो ऐसे प्लेचूज जो जब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है तो इससे ज़मीन के कुछ हिस्से जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, तो उन टूटे हुए हिस्सों से जो प्लेचूज बनते हैं उनको हम कहते हैं प्लेचूज बाय विंड एरोजन। नेक्स्ट न्यू टर्म्स हैं, न्यू टर्म्स में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले न्यू टर्म है कैटेगराइज, के कैटेगराइज करना, प्लेस इनटू अ सेट ऑफ सिमिलर थिंग्स, के
सेम थिंग इसको एक जगह पे रखना, तो उसे हम कहते हैं कि हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। लाइक अगर हम वॉल्केनो वो प्लेट्यूज को देखें, तो प्लेट्यूज को अगर हम सेम सेम वो उनकी फीचर्स की वजह से अगर हम उनको एक ग्रुप में रखेंगे, जैसे इंटरमोंटेन है उनके हम क्लासिफिकेशन करें, पिडमोंट की करें, वोल्केनिक की करें, तो अगर हम उनकी सिमिलैरिटी की बेस पे अलग अलग करें ना प्लेट्यूज को, तो जिससे हम कहते हैं कि हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। नेक्स्ट है कंपोजिशन का मैक्सिमम मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स का, एक बहुत अज्जा का एक मिक्सचर, उसे हम कहते हैं कंपोजिशन। जैसे अगर हम देखें वाटर का मिक्सचर, अगर हम उसमें वो सॉल्ट भी ऐड कर दें, शुगर भी ऐड कर दें, तो ये टू इंग्रेडिएंट्स को मिला के हमने एक वाटर को भी मिला के हमने एक उसका मिक्सचर बनाया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये कंपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन है, ऑन व्हाट बेसिस आर प्लेट्यूज क्लासिफाइड, प्लेट्यूज को किन बेसिस की पे उसको क्लासीफाई किया जाता है। प्लेट्यूज आर क्लासीफाइड बाई देयर सराउंडिंग्स एंड द मैथड ऑफ फॉर्मेशन, के उनको उनके सराउंडिंग्स के बिना पे और वो किस तरह से फॉर्म करते हैं, किस तरह से वो तश्कील देते हैं, वजूद में आते हैं, उस दोनों के बिना पे उसको हम क्लासीफाई करते हैं। लाइक इंटरमोंटेन, पिडमोंट, वोल्केनिक, कॉन्टिनेंटल, विंड एंड वाटर एरोजन, इन सब की ये उनकी फॉर्मेशन है कि वो किस तरह से फॉर्मेशन। अब हम सराउंडिंग्स में देखते हैं, सराउंडिंग्स में रहते हैं इंटरमोंटेन, पिडमोंट और वोल्केनिक, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल भी इसी में आते हैं। लेकिन अगर हम देखें उसकी फॉर्मेशन में, तो उसमें विंड, वाटर एंड माउंटेन जो एरोजन है वो उसमें ये आ जाते हैं कि उसकी फॉर्मेशन किस तरह से उसकी तश्कील दी जाती है। मतलब ये जो है इंटरमोंटेन, पिडमोंट और कॉन्टिनेंटल, ये जो तीन तरह के प्लेट्यूज हैं, ये उनकी सराउंडिंग के बिना पे, सराउंडिंग को देखते हुए हमने इसको क्लासीफाई किया है। और इसके अलावा जितने भी वोल्केनिक हैं, विंड एंड वाटर एरोजन है, ये जो प्लेट्यूज हैं इनको हमने उसकी फॉर्मेशन के, वो किस तरह से बनते हैं, उनके बिना पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट आइडिया क्वेश्चन नंबर न्यू टर्म्स और क्वेश्चन नंबर वन याद करना और लिखना, क्वेश्चन नंबर वन है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।